चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग एक्टर यानी सलमान खान की फिल्मों का इंतजार उनके फैंस बड़ी ही बेसब्री से करते रहते हैं। फैंस को उनकी आगामी फिल्म टाइगर जिंदा है को तहे दिल से इंतजार है और इसके बाद सभी सलमान खान को एक डैडी के रूप में देखना चाहते हैं। इससे पहले कि आप कुछ और सोचे, आपको बता दें कि हम यहां पर रेमो डिसूजा की आने वाली फिल्म गो डैडी की बात कर रहे हैं। अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस फिल्म को आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, मुंबई के एक रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है शूटिंग के बाद अब वो रेस 3 को करने के लिए काफी इच्छुक हैं। इस फिल्म में सलमान खान का एक निगेटिव अवतार में नजर आने वाले हैं और इतना ही नहीं, इस फिल्म में वह हॉट अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म गो डैडी में भी जैकलिन सलमान के अपोजिट नजर आएगी। इस फिल्मों से पहले हम जैकलिन और सलमान की फिल्म किक देख चुके हैं। इस फिल्म में लोगों ने जैकलिन और सलमान खान की केमिस्ट्री को बेहद ज्यादा पसंद किया है। आपको बता दें कि रेमो डिसूजा की तो इस बीच वह स्टार प्लस के चैंपियन की शूटिंग जोर शोर से कर रहे हैं और जैकलिन को इस शो के लिए जज बनाने का ऑफर भी मिला है और अभी इसके लिए बात चल रही है। आपको बता दें कि सलमान और जैकलिन इस साल के अंत तक अगले साल से रेस 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे।